अपराधों की स्थिति की समीक्षा को लेकर उज्जैन रेंज के आईजी राकेश कुमार गुप्ता ने बुधवार को आईजी कार्यालय पर संभाग भर के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में डीआईजी मनीष कपूरिया भी मौजूद रहे। दरअसल इस बैठक में सभी गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, साथ ही आने वाले त्योहारों व बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने को भी कहा गया। बैठक में उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह, देवास एसपी डॉक्टर शिव दयाल शर्मा समेत सभी क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। आज संभाग के सभी अधीक्षकों की मीटिंग ली गई है, क्या समीक्षा में क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए? आज बेसिकली संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ हमारी मीटिंग थी और मीटिंग में मुख्य रूप से संभाग में क्या आपराधिक स्थिति है उसको लेकर हमारी चर्चा हुई। गुंडे बदमाशों के खिलाफ भी जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई। तो आज एक विस्तृत चर्चा हुई है, क्योंकि लॉकडाउन भी था इस बीच में तो सभी मेजर हेड्स में कमी आई है अपराधों में। सिर्फ 188 के अपराध जो हमारे लॉकडाउन के उल्लंघन के बने हुए वृद्धि हुई है, जो पिछले सालों में ये अपराध नहीं हुए। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। इसके अलावा हमने बाढ़ की स्थिति को लेकर भी चर्चा की और आगामी त्योहारों को लेकर। सर, गुंडे बदमाशों के लिए क्या निर्देश दिया गया? गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सभी को बताया।